हेलो एवरीवन, आई एम निवेश कश्यप। तो जैसा आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग की तरफ से जो है फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए कंडक्ट की जाएगी, तो वही हम लोग फ्री क्लासेस का आज लेक्चर नंबर फर्स्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा जो आज का सब्जेक्ट होगा वो होगा साइंस। हम बेसिकली हम साइंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और साइंस में भी बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जैसे ही बायोलॉजी ख़त्म होगा उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड उसके बाद फिजिक्स। तो ये हमारा जो होगा कोर्स ऑफ एक्शन होगा साइंस का, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा कितना होगा और कौन से सब्जेक्ट्स आपके कवर किए जाएंगे। तो जो हमारा कोर्स का ड्यूरेशन होगा 5 मंथ्स का होगा, 5 to 6 मंथ, ठीक है। और सब्जेक्ट्स जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जैसे कि साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स। तो जो लोग भी सी यू ई टी पी जी LLB, ठीक है, 2024 के लिए अपियर होना चाहते हैं या प्रिपेयर कर रहे हो सेल्फ स्टडी के थ्रू, ठीक है, तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे बहुत ही डिटेल और कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो। और आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स DU LLB, इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। सर्च करोगे तो ही मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसका PDF या इंपॉर्टेंट क्विज़ हम जो करवाते हैं, मॉक प्रैक्टिस करवाते हैं, तो सारा जो है PDF या जो भी क्वेश्चन है वो आपको सारा यहाँ पे मिलेगा। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स को, ठीक। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल हम आज डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये भी डिस्कस करूँगा साथ में कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और बाकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और जहाँ पे साइंस से क्वेश्चन आता है, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल एक मतलब सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारे बॉडी का, उसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है, जो कि बहुत ही फंडामेंटल और स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। मतलब सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो सेल को हम बोलते हैं। जैसे अगर मैं हायरार्की की बात करूँ यहाँ पे, तो हायरार्की की बात करूँ तो हमारे बॉडी को अगर आप डिवाइड करते हो तो सबसे छोटा जो होता है सेल, ठीक है, नंबर एक, दो, और बहुत सारे सेल्स मिलके जो होता है टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं, तो टिश्यू, ठीक है, और बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से जो है हमारा कंप्लीट बॉडी बना हुआ है, ठीक। तो ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सेल्स बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इससे आपके एग्जामिनेशन में सवाल आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे, ऑर्गन पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा क्लास आगे होगा, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे सारे सब बहुत कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जो आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, इसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, और प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स किसको किसे बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम बेसिक बेसिक आज डिस्कस करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डिटेल में कॉन्सेप्चुअली हम आगे धीरे धीरे करते चलेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा आपका। फर्स्ट जो होता है, कहा जाता है कि सेल्स जो सेल है, जैसे जो सेल टर्म है, ठीक है, इसको किसने डिस्कवर किया था या फर्स्ट टाइम किसने इस सेल टर्म को क्वाइन किया था, तो इसका होता है रॉबर्ट हुक आंसर, रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था और ये डेड सेल का किया था, डेड सेल, ठीक है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ सेल पूछता है तो रॉबर्ट हुक ही आंसर होगा, ठीक है, या फिर स्पेसिफिकली अगर डेड सेल पूछा जाता है तो भी रॉबर्ट हुक आप आंसर करोगे। लेकिन देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में देखो क्या हुआ, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अस लाइव सेल, मतलब लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो थे एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है,
ये देखो डेड सेल है और ये लिविंग सेल है, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दोनों की डिस्कवरी जिन्होंने किया था वो, उनका नाम अलग अलग है, ठीक है। एक रॉबर्ट हुक थे और एक ल्यूवेन हुक थे, ठीक। और रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जैसे ये सेल है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो उसका जो डिस्कवरी है किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक। तो ये तीन क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ये स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, ठीक। अब हम बात करते हैं, सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिकली माइक्रोस्कोपिक इन साइज। सेल्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, आप नेकेड आई से उनको देख नहीं पाओगे, ठीक। और सेल्स, जैसे कि आपको पता होगा, सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, मतलब कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही प्रिमिटिव और बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो थोड़े कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक सेल्स से बड़े होते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि एनिमल सेल्स हो गया या प्लांट सेल्स होते हैं जो भी, ठीक है। हमारे बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं या प्लांट के सेल्स में, वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि मान के चलो बैक्टीरिया वगैरह हैं, ठीक है, तो उनमें जो सेल्स पाया जाता है वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो बेसिक ये डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं एडवांस सेल्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स भी कम होते हैं और ऑर्गेनल्स का जो फंक्शन होता है वो भी कम होता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे दोनों को डिफरेंस अच्छे से डिटेल में, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, आप देख लो यहाँ पे। और जो भी ये मेम्ब्रेन, जो भी ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि मान के चलो सेंट्रोइल्स, ठीक है, लाइजोजोम, राइबोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, न्यूक्लियस, गोल्गी अपैरेटस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, ये इसको बोलते हैं जो सेल के अंदर जो चीज़ होती है, ये सब जो है गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सेल ऑर्गेनल्स बोले जाते हैं इनको, ठीक है। और जो ये आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये सब, ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म। और ये जो आउटर लेयर आप देख रहे हो, ये, ठीक है, ये सेल का, इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, ठीक। तो देखो, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारे सेल्स में होता है, राइट। चाहे वो कोई भी सेल हो, ये प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो। तो सबसे पहले हम उन चार जो मेजर जो हर एक सेल में पाया जाता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे कि माइकोप्लाज्माज होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा क्या होता है, एक तरीके से ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्माज द स्मॉलेस्ट सेल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा एग्जामिनेशन में कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। और उनका जो डायमीटर होता है 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। और वहीं पर जैसे देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो इनसे बड़े होते हैं, बैक्टीरिया भी बहुत ही छोटा सेल होता है, बैक्टीरिया जो जिस सेल से बना हुए होते हैं ना, जैसे वो बहुत छोटा होता है, वो होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर का, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, आपको पता होगा बहुत लोगों को, लार्जेस्ट जो सेल है सिंगल सेल, वो होता है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल, मतलब हम देख सकते हैं उसको नेकेड आई से भी दिखता है वो। लेकिन ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो ये बहुत कम चांस है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे। हाँ, लेकिन स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, आपसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सेल के बारे में। मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि कौन कौन सेल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, लेकिन जो मेजर जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कंपोनेंट्स ऑफ द सेल के बारे में हम देखते हैं थोड़ा। तो फोर मेजर फीचर्स ऑफ सेल, मतलब कि चार ऐसे फीचर हैं जो सारे सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जिस सेल का जो आउटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर मटेरियल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोइड, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वाला पार्ट, ठीक है, उसको, ये प्रोकैरियोटिक सेल में हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, आगे हम डिस्कस करेंगे वो, इसलिए हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। एंड राइबोसोम्स, राइबोसोम्स भी पाया जाता है। तो आज का जो लेक्चर होगा ये हम चारों को डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आगे इसे कंटिन्यू करूँगा, ठीक। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लोजेज अ सेल एंड सेपरेट्स इट्स कंटेंट्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि जो बाहर सराउंडिंग्स है ठीक है, और जो अंदर का मटेरियल है सेल के, उसको सेपरेट करने का काम करता है। मतलब अंदर का मटेरियल अंदर रहेगा, बाहर का बाहर रहेगा, ठीक है। एक तरीके से वो मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, एक तरीके से वॉल की तरह काम करता है वो, इस तरीके से, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेल का, वो किस चीज़ से बना होता है, किस कंपोनेंट से बना होता है, किस मॉलिक्यूल से बना होता है। तो कौन सा है? लिपिड्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन। अब देखो, लिपिड को फैट भी बोलते हैं, एक ही चीज़ है दोनों, लिपिड या फैट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है किस चीज़ से बना हुआ है, तो वो होता है लिपिड या प्रोटीन, ठीक। तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप टिक करोगे। अब देखो, स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, या सिंपली आपसे लिपिड्स भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। अब देखो, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये कुछ चीज़ों को बाहर जाने देता है, अंदर से बाहर, ठीक है, और कुछ चीज़ों को अंदर बाहर से अंदर आने के लिए भी अलाउ करता है, लेकिन हर कुछ अंदर से बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे यहाँ से कुछ प्रोटीन को बाहर भेजना है बॉडी में, तो ये तो कुछ चीज़ों सेलेक्ट करता है कि इसको बाहर जाना है, इसको अंदर आना है, तो उसी को बोलते हैं हम सेलेक्टिवली परमिएबल। एंड रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। और जो होता है अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको बाहर और अंदर आने का काम में हेल्प करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। जो साइटोप्लाज्म, ये अंदर ये जो पार्ट है, ये अंदर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर में होता है इसको आप, या फिर कोलाइड बोल सकते हो, ठीक है। कोलाइडल मतलब एक सॉल्यूशन की तरह होता है, सेमी लिक्विड होता है, और उसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोजोम हो गया, राइजोजोम हो गया, ये सब साइटोप्लाज्म में के अंदर ही होते हैं। न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, ठीक। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स वेरियस ऑर्गेनल्स एंड माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स विच हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ द सेल, जो कि सेल के फंक्शन में काम करता है, और हम उसी ऑर्गेनल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने ऑर्गेनल्स हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है, ठीक है, उसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, साइटोप्लाज्म रेफर्स ओनली टू द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जैसे कि मान के चलो सेल का स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल है दो, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म, ये जो ग्रीन कलर, ग्रीनरी, ग्रीन और व्हाइट जैसे दिख रहे हैं ना आपको, ये साइटोप्लाज्म है, ये सब, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। और ये सब जो ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। जैसे ये देखो आप, न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइजोजोम है, लाइजोजोम है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल ऑर्गेनल्स ये सब हैं, ठीक। और ये जो आपको ये जो स्पेस दिख रहा है इन सब के बीच में, जिसमें ये लोग तैर, ये ऑर्गेनल्स जिसमें तैर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक। तो साइटोप्लाज्म वही होता है, और वही कहा गया साइटोप्लाज्म दैट कंटेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स इन सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। अब देखो, साइटोसोल को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इसको, ठीक है। एक होता है साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है, और सोल मतलब सोल्यूशन, ठीक है, कुछ नहीं है ये। तो सोल्यूशन कहने का मतलब कि दो या दो से मिक्सचर को सोल्यूशन बोलते हैं, दो कंपोनेंट उसमें ऐड होने चाहिए, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे आयन से सोल्यूशन में, ठीक है, और मॉलिक्यूल से, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं साइटोसोल भी बोल दिया जाता है कभी कभी। तो आप इसको मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं होना है, साइटोसोल इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं या आयन्स के सोल्यूशन हैं, उनको हम साइटोसोल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियॉइड और न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियॉइड बोला जाता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वहाँ न्यूक्लियस बोला जाता है। तो दोनों एक ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, बस सेल का स्ट्रक्चर बदलने से दोनों का नाम अलग हो गया, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे देखना होगा, एवरी सेल कंटेन्स डीएनए, ठीक है, हर एक सेल में जो होता है डीएनए होता है, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी कार्बो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। एंड इसको डीएनए को क्या बोलते हैं? हेरिडेटरी मॉलिक्यूल्स, जो कि आपके हेरिडेटरी में जो पार्टिसिपेशन करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, उसे वो कहाँ पे कंटेन किया जाता है? वो डीएनए में होता है, ठीक।
अब देखो इन प्रोकैरियोट्स द सिंपल ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स लाइज इन द सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा कुछ डिफरेंस और समझ लेते हैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। देखो ये जो होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में, ऊपर भी मैंने आपको बताया था, और प्रिमिटिव होते हैं, प्रिमिटिव, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ डिफरेंस आगे भी डिस्कस करूंगा डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा जान लो क्योंकि बार बार यूकैरियोट प्रोकैरियोट आ रहा है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। प्रोकैरियोट जो होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। देखो अमीबा भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो प्रोकैरियोटिक्स में नहीं आता है, ठीक। तो बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल होता है, और यूकैरियोट जो होते हैं ये भी सिंगल सेल हो सकते हैं, ये भी सिंगल सेल हो सकते हैं, या फिर ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट सेल, ठीक है, मल्टी सेलुलर। तो ये दोनों हो सकता है। ये जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं ये हमेशा सिंगल सेल ही होते हैं, ठीक है। दूसरा देख रहे हो कि यहाँ पे देखो राइबोसोम जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, राइबोसोम दोनों जगह पाया जा रहा है, लेकिन जैसे कुछ चीज़ देख लो यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे बिल डिफाइन होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ में होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है, इनका स्ट्रक्चर बहुत ही डिफाइंड नहीं है, ठीक। तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है अभी के लिए समझ लो, बाकी हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्लास में बहुत ही डिटेल में कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है हर एक एंगल से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट टिपिकली रिसाइड्स नियर द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, एन एरिया कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है, वही ऊपर जो बताया था वही पॉइंट है। द डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स इज कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस। जो यूकैरियोट सेल में डीएनए होता है कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। आगे हम आगे करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए, खुद का डीएनए होता है, वो हम आगे डिस्कस करें, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये देखना है जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में ही पाया जाएगा हमेशा से, विच इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। तो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस उसके आउटर लेयर में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मतलब दो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। तो ये भी कभी कभी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है या फिर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, और ये कहाँ पे होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं, ध्यान रखना ये चीज़ को, ठीक। अब देख लेते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज द सेंट्रल एरिया इन द सेल दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल्स। अब देखो न्यूक्लियस जैसे ये सेल है, ये मान लो पूरा सेल है, और ये न्यूक्लियस है ये पार्ट। तो न्यूक्लियस के अंदर भी प्लाज्मा में जैसे होता है ना, जैसे साइटोप्लाज्म था, जैसे सेल के अंदर जो ये सब हैं, ये सब लिक्विड स्टेट में, सेमी लिक्विड स्टेट में, इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी जो होता है जेनेटिक मटेरियल, जो सेंट्रल एरिया, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो ये बस टर्म्स है आपको याद रखना है, ताकि आप पढ़ो तो आप कन्फ्यूज ना करो कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सब कन्फ्यूजन नहीं हो। इसलिए बेसिक इस लेक्चर में आपको सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। द न्यूक्लियस इज द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है, अब ये क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। प्राइमरली इट पार्टिसिपेट्स इन असेंबलिंग द राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या होता है आगे वाले क्लास में आपको समझ में आएगा डिटेल में, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है। बस आप समझ लो अभी के लिए एक ऑर्गेनल से जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अल्टरेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, आरएनए डीएनए क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आरएनए भी बहुत तरह का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो ट्रांसफर आरएनए एंड सेंसिंग सेलुलर स्ट्रेस, ठीक है, सेलुलर स्ट्रेस को मतलब ये एजेंबल करता है। द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक। और इस किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जैसे आपको पता होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता है? लिपिड्स और प्रोटीन से। वहीं पे न्यूक्लियस क्या चीज़ से बना होता है? तो आरएनए और प्रोटीन से, विच फॉर्म्स अराउंड द स्पेसिफिक क्रोमोजोनल रीजन्स, ठीक है। और ये क्रोमोजोमल रीजन्स के अराउंड ये स्पेसिफिकली रिवॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखो क्या होता है, क्रोमेटीन किसको बोलते हैं?
आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ अवेयर करवा रहा हूँ ताकि आपको आगे आने वाले क्लास में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो, क्रोमेटीन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोटीन जो है किस चीज़ से बना होता है, यहाँ पे देख रहे हो आपको क्रोमो, इस तरीके से आप अलग कर सकते हो। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स डीएनए, डीएनए मिला के और प्रोटीन मिला के जो सब्सटेंस बनेगा, जो मॉलिक्यूल्स बनता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमाटीन, ठीक है। दैट फॉर्म्स क्रोमोसोम्स। आपको पता होगा कि जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है, जैसे क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हेरिडिटरी को ट्रांसफर करता है। क्रोमोजोम्स, एक्स क्रोमोजोम्स का नाम सुना होगा आपने, वाई क्रोमोजोम्स का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये किस चीज़ से बना होता है, किस मटेरियल से बना होता है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है, क्रोमेटीन है, ठीक है। क्रोमोटीन ही आगे जाके जो है क्रोमोजोम्स में डिवेलप होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में। तो जो भी एक्टिविटी है, चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो, ठीक है, क्रोमेटीन हो, या फिर जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। ये आपको बेसिक ही पता होना चाहिए। जब आप इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको बस बेसिक सा एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप अवेयर हो जाओ इन सब टर्म्स से, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट था, फोर इंग्रेडिएंट्स में से लास्ट इंग्रेडिएंट है जो कि सारे सेल्स में पाया जाता है, ऊपर आपको दिखाया था कि वो एक राइबोसोम्स भी है, जो कि यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे भी आरएनए मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कि कौन किस चीज़ से बना हुआ है। दोबारा जब पढ़ोगे आप इसको डिटेल में, राइबोसोम को मैं पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे अगेन ये सब चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है। दैट फॉर्म्स द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। अब राइबोसोम का जो काम होता है ना, वो प्रोटीन को सिंथेसिस करने में, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है राइबोसोम, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है डीएनए पाया जाता है, ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे डीएनए होता है और एक आरएनए होता है, तो डीएनए आपको पता होगा कि जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए का काम बहुत सारा होता है। ये जेनेटिक मटेरियल्स भी एक तरह वायरस में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, कहाँ पे, राइबोसोम में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आगे डिटेल में थोड़ा सा अभी अवेयर हो जाओ, ठीक है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S वाइल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अभी लग रहा होगा कि क्या है ये, मैं आपको समझा देता हूँ एक चीज़। तो देखो 80S कुछ नहीं है, एक यूनिट राइबोसोम्स जो होते हैं ना, वो सब यूनिट्स में डिवाइड होते हैं, मतलब दो यूनिट मिलके या तीन यूनिट मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सब यूनिट्स। तो यस जो है ना, ये क्या है, यस स्वीडबर्ग्स यूनिट। तो यस जो होता है स्वीडबर्ग्स यूनिट होता है, ये स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशियंट, मतलब कि राइबोसोम्स जो है ना, मतलब सेडिमेंटेशन मतलब आपको पता हो कि नीचे लेयर बैठ जाना, जैसे मान के चलो एक सोल्यूशन है तो उसमें आपने कुछ डाला, ठीक है, तो कौन सा मॉलिक्यूल से, कौन सा सब्सटेंस है जो सबसे नीचे पहले आएगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, कौन सा जो होगा ऊपर ही रहेगा, कौन सा मिडल में होगा, तो उसी को बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन कोफिशियंट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही डिटेल में है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानो कि 80S होता है और ये 70S होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं 80S होते हैं और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं 70S होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जो आपको जानना है, इट इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी, यहाँ पे उधर छिप गया है, एक मिनट ऊपर कर देता हूँ मैं इसको, मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। तो जो यस है ना, ये डेंसिटी एक्चुअली आपके राइबोसोम्स के डेंसिटी को बता रहा होता है, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, ऐसे समझ लो एक तरीके से, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। और जो उनका साइज होता है, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स 70S वाले होते हैं उनका जो साइज होता है छोटा होता है। तो बेसिक ये डिफरेंस है। तो आई थिंक आपको आज का क्लास जो है टर्मिनोलॉजी समझ लो, एक बार अच्छे से देखना और इस मतलब पढ़ना इसको, ठीक है, रोक के वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। और नेक्स्ट क्लास में हम, आज हमने चार के बारे में डिस्कस किया, कल जो है बाकी ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, राइबोसोम, लाइजोसोम, ठीक है, और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसको हम आज आगे आने वाले क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।